मैं सभी मेरे बहन भाइयों से, खासकर महिलाओं होने के नाते, मैं मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूं कि जो 14 अप्रैल तक हम लोगों को समय दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि आप लोग 14 अप्रैल तक घर रहिए, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए। मैं एक बात जरूर कहूंगी आप लोगों से कि देश का राजा जब हाथ जोड़ के आप लोगों से बार बार ये विनती करे कि प्लीज आप घरों में रहिए, तो आप सोचो कि ये जो कोरोना महामारी आज के दिन, मैं कहूंगी अमेरिका, इटली, चाइना, इन देशों में फैलने के बाद आज भारत में भी प्रवेश कर चुकी है, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कार्तिक की बीमारी, वो हम लोगों ने तो नहीं देखी, पर ये मतलब एक देखने वाली बात है कि जिस दिन ये महामारी, अगर हमने ध्यान नहीं रखा, अगर हम लोग घरों से बाहर निकलना बंद नहीं किया, तो ये जिस दिन स्लम एरिया में या पशुओं में या पक्षियों में फैलगी ना, फिर आप ये सोचो कि ये कंट्रोल नहीं होगी। तो अभी हमारे पास जो है वो बहुत समय है इसको कंट्रोल करने का, और 14 अप्रैल तक अगर हम लोग देश के प्रधानमंत्री की बात मानकर घरों में बैठे रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। उल्टी के बहुत समय बाद मैं कहूंगी कि एक दूसरे को समय देने का जो समय है वो हम लोगों को मिला है, तो ज्यादा से ज्यादा घरों के अंदर रहिए, अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखिए, अच्छे अच्छे सीरियल्स देखिए, और सारा परिवार का जो समय है परिवार का वो साथ बिताइए। जब भी आप घर से बाहर जाएं, मैं आपसे कहूंगी कि बाहर जाने के बाद जब आप घर के अंदर आए तो आप अपने हाथ जो हैं वो, अगर साबुन कोई भी साबुन मिले, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये जो बता रहे हैं वही साबुन यूज करें, जो भी आपको साबुन मिले उसको लेकर 30 बारी धीरे धीरे अगर आप रगड़ के हाथ धोएंगे तो वो 20 सेकेंड ही आपके हाथ जो हैं वो धुलेंगे और ये बीमारी से छुटकारा मिलेगा। दूसरा मैं कहूंगी कि बड़े बुजुर्ग जो हैं खासकर घरों से निकलना बंद कर दे, क्योंकि बीमारी जो है वो बड़े बुजुर्गों के और बच्चों में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अटैक करती है, तो ये लोग घरों में रहें। और राशन के लिए मैं कहूंगी थोड़ा सा कि राशन के लिए इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को हर व्यक्ति विशेष को जो है वो राशन मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी दुकानें खुली हैं, जितने भी राशन हमारे भोजन से संबंधी है जहां राशन मिलता है वो दुकानें खुली हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को समय पर हर चीज जो है वो उपलब्ध होगी, किसी कारणवश अगर हमें घर से बाहर जाना पड़े तो मास्क पहनकर जरूर जरूर आप लोग घर से बाहर जाइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दूसरों के, जब आप नहीं निकलोगे तो आप ये सोचो कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ किसी और की जिंदगी भी बचा रहे हो, क्योंकि जब आप बाहर नहीं निकलोगे तो ये बीमारी जो है कोरोना महामारी जो है वो नहीं फैलेगी। जितना ज्यादा हो सके आप लोग 14 अप्रैल तक घर रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।